शरद पूर्णिमा के अवसर पर जिला अस्पताल मुरार में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। इस अवसर पर ग्वालियर के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर के राजौरिया, सिविल सर्जन डॉक्टर आर के शर्मा सहित वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने पूजा में भी भाग लिया। साथ ही इसके पश्चात प्रसादी ग्रहण करने के लिए भी बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों ने इस प्रसादी को ग्रहण किया। हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा ने इस अवसर पर समिति स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष धर्मी शुक्ला से भी बात की, जिन्होंने बताया कि कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था। देखिए हम दोहा नंबर 40 में प्रवेश कर रहे शरद पूर्णिमा के अवसर पर जिला अस्पताल के समस्त संविदा कर्मचारियों ने सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया। उसके बाद भोजन प्रसादी आप सब लोग देख रहे हैं, आप सारे लोग सादर आमंत्रित हैं। भोजन प्रसादी का कार्यक्रम था शरद पूर्णिमा उत्सव के रूप में, तो शरद पूर्णिमा उत्सव के रूप में मनाया गया था। इसमें सारे संविदा रेगुलर आउटसोर्स सारे साथ ही इकट्ठे थे। लगभग कितने कर्मचारियों ने इसमें सहभागिता, जिसको जितना बना, कोई इसका कोई टारगेट नहीं। नहीं मतलब कितने लोग आ रहे हैं अपना भोजन होगा? ठीक है, सारे सारा संविदा परिवार है, रेगुलर कर्मचारी है, डॉक्टर्स हैं, कुल मिला के 400-500 लोगों का आयोजन है।